टेबल इज ए सिंपल एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन क्या बताए थे आपको? द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। गुड मॉर्निंग। द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। ओके, व्हाट इज सेल? The intersection of the intersection of a team, row no, and no. column is called cell. Okay, very good. Thank you. The intersections of row and column is called cell. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So how will create a table in MS Word? हम table कैसे बनाएंगे MS Word में? Okay. Yes, insert. First, insert. फर्स्ट यू ऑल ऑफ यू ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे ना। क्लिक द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑल प्रोग्राम, देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट 2007। 2007, ओके। Yes, sir. 2007. So how will you create a table in Word? आप वर्ड में कैसे टेबल बनाएंगे? First, click the insert tab. There are three methods. You have created tables in Word. तीन methods होते हैं टेबल बनाने के लिए। ये सिर्फ एक पेंसिल से और एक नंबर ऑफ रो और कॉलम टाइप करेंगे और सेकंड रो एंड कॉलम टाइप करेंगे। सर एक और रो कॉलम्स दिए होते हैं माउस से कवर थोड़ा। ओके, इसे बनाइए। क्लिक द इंसर्ट टैब, देन क्लिक इंसर्ट टेबल ऑप्शन। टेबल, टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट ए टेबल। सर टेबल टाइप हियर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो और कॉलम, जितनी रो और कॉलम आपको बनाना है हम टाइप करें। ठीक है, हम सिक्स रो ले रहे हैं, सिक्स कॉलम और सिक्स रो। सर ये बताइए कि कैसे खुद से करेंगे हम सम कर सकते हैं? टेबल बन गया, टेबल बन गया। Yes. Yes, sir. So, ये भी बताए थे कि खुद से कैसे सम होता है टेबल में। सेकंड थिंग, ये भी बताया सर, प्रैक्टिकल कम करूंगा। सेकंड ऑप्शन, क्लिक द click the insert tab, then click cover, mouse किले बटन से कवर करेंगे रो और कॉलम। रो और कॉलम से यहाँ दिया होता है, केवल हमको कवर कर लेना है कि हाउ मेनी रो और हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव टेक, कितने लेने हैं हमको इंसर्ट करनी है। केवल हम सिलेक्ट करेंगे, टेबल बन जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन होता है पेंसिल, ड्राई पेंसिल। तो फर्स्ट यू क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद हम ड्राई टेबल्स पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल्स आती है। पेंसिल्स इसकी साइज को हम पेंसिल से हम ड्रा कर सकते हैं रो और कॉलम्स को। दिस इज ए टेबल्स, दिस इज ए टेबल्स। ओके, टेबल द नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल्स। ए टेबल इज ए सिंपलीफाई एंड अरेंजमेंट आप डाटा इन रो एंड कॉलम। टेबल एक सिंपल अरेंजमेंट्स होता है, जो इंफॉर्मेशन या डाटा को रो और कॉलम से हम रखते हैं उसको हम टेबल्स कहते हैं। ओके,
Have any doubt to ask me? This is a columns जिसमें हम A type कर रहे हैं, A और B. This is a column, A, B और C. और 1, 2, 3 जो numbers हैं, numeric words जो लिखे हैं numbers, जो alphabets हैं, दे A columns हैं. और जो हम numbers लिखे type किए हैं, ये row हैं. और दिस इज ए सेल, ए सेल है. व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. All of you understand? Yes. Yes, sir. Have any doubt? No, sir. Any doubt? Chapter 4. Chapter 4 explain kare hum. What is row and column? Sir, what is row and column? Last comma. Last column. Sir, what is the definition of definition of row and column? Row and columns. Yes. So, a series of consecutive cells arranged horizontally forms a row. Yes. Sir, column is a series of consecutive arranged with vertical forms. A series of consecutive consecutive cells arranged consecutive cells. Yes. Books में book रखी हैं आप? Yes, sir. पहले book शिवांगी यादव. Open your book, page number 21. Look in the book. Sir, ऊपर yes, sir. ये row और column को definition दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये series of consecutive cell arranged horizontal forms a row. ठीक है. जो yellow color में है वो क्या है? Column. Yellow जो हम अभी blue color किए हैं क्या है? कॉलम्स. कॉलम क्या है? कॉलम. कॉलम. ओके. और यस सर, रो चाहिए सर. और इधर ये रो. ओके. यस सर. हैव एनी डाउट सर? रो कौन है? रो. रो ए 1, 2, 3 लिखे हुए हैं ना? यस सर. दिस इज ए रो. यस सर. सेल जो एक बॉक्स है, टेबल की जो एक बॉक्स होता है, उसी हम सेल कहते हैं. हाँ, उसी को सेल. जैसे ये सेल है ना, ये रो और कॉलम मिलकर दोनों को बना रहा है ना, इसीलिए इसको सेल कहते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल्स. जो इंटरसेक्शन कर रहा है, जोड़ रहा है रो और कॉलम को, उसको हम सेल कहते हैं. Yes, sir. Okay. Clear? Yes, sir. You all have understand? Yes, sir. आपको समझ में आया? Yes, sir. Okay. Next. Sir, delete row and column कैसे? How will delete row and column? जैसे A row और column. Sir, click the layout. इसको select कर लेंगे हम. Okay? Then yes, press the right yes, button. Sir. Delete. Delete option पे क्लिक करेंगे हम. ये delete cell. Yes, sir. अगर हमको row मिटाना है तो entire row पर क्लिक करेंगे, okay करेंगे. Yes. मिट गया. Yes, sir. तो row. और sir layout tab से कैसे कर पाएंगे? और column करेंगे हम select. Delete option पर क्लिक करेंगे, delete a columns पर क्लिक करेंगे, yes, okay करेंगे. मिट गया. Okay करेंगे. इरेज हो गया ना, मिट गया ना. यस सर. अगर मान लीजिए कि आपको रो और कॉलम बढ़ाना है, आपको जैसे एक कॉलम हमको और बढ़ाना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट रो. इंसर्ट रो. इंसर्ट कॉलम. लेफ्ट क्लिक
insert column to the right. Insert sir, you can insert right में click हो जाएगा ना? Sir. हाँ okay. बोलिए. Sir एक बार और बता दीजिए. जिससे सपोर्टेड आपको लेफ्ट राइट में क्लिक करना है कॉलम को इरेज करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे देन क्लिक इंसर्ट राइट बटन प्रेस करेंगे देन क्लिक इंसर्ट ऑप्शन पर इंसर्ट इंसर्ट कॉलम टू राइट राइट पर क्लिक करेंगे बढ़ गया इस रो और कॉलम को इरेज करनी है तो हाउ विल इरेज आर डिलीट ए कॉलम द इरेज आर डिलीट ए कॉलम से रो फॉलो दिस स्टेप पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम को सेलेक्ट करना इरेज करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम प्रेस करेंगे डिलीट की इंटायर कॉलम पर क्लिक करेंगे इरेज हो जाएगा ओके हेलो हेलो यस सर यस सर नो सर नेक्स्ट सर सर नो सर नो डाउट ओके सर नो सर नो डाउट क्या सर चैप्टर फोर का चैप्टर थ्री का क्या बताना प्रॉब्लम चैप्टर फोर पढ़ाइए ओपन योर चैप्टर फोर क्लिक द स्टार्ट बटन देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर फोर You all have opened your book, chapter 4. Formatting a table. Formatting a table. Working with object in words. Yes. Chapter 4. Yes, sir. Working with object in words. I will insert picture. Clip art. What is clip art? Sir. Sir, chapter 4 ka question also bhej dijiye dobara. ठीक है सर एक्सरसाइज नहीं भेजा चैप्टर फोर का बोले ट्यूशन भी तो फर्स्ट अप व्हाट इज क्लिप आर्ट्स क्लिप आर्ट इज प्री डिजाइन फॉर्मेट्स पिक्चर्स That can be insert directly in your documents. Hello. Yes, sir. Yes, sir. What is clip art? Chapter 4 ko question to bhej dijiye. MS Word in MS Word includes a gallery of ready-made pictures. क्लिप आर्ट इज ए प्री डिजाइन पिक्चर्स या रेडीमेड पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड डायरेक्टली इन योर डॉक्यूमेंट्स ओके तो हाउ
will you insert picture in your document? To insert a clip art in Word document, follow this step. अगर आपको एक डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स लेनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इंसर्ट इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक क्लिप आर्ट बटन, इंसर्ट ऐप पर क्लिक करके उसके बाद क्लिप आर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, पिक्चर गैलरी आ जाएगी। टाइप योर नेम्स, कौन सा पिक्चर किस कैटेगरी का लेना चाहते हैं आप। सपोर्टेड आपको एनिमल्स लेना है तो हम यहाँ एनिमल टाइप करेंगे, फिर गो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर हम इंसर्ट करा लेंगे। ओके यस सर। पहले हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट ऐप, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक सर चैप्टर फोर का एक्सरसाइज क्लिप आर्ट, सर क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम चैप्टर फोर का एक्सरसाइज दे दीजिए। वो जिस पे कौन बोला है जी, आदर्श, आदर्श Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा तुमको। ओके यस सर, यस सर, सर सर चैप्टर थ्री का भी भेज दीजिएगा। ओके ओके, अरे सर आप कई दिन से बोल रहे हैं भेज नहीं रहे हैं। कौन सा चैप्टर, पता ना, चैप्टर फोर एक्सरसाइज, ठीक है मैं अभी भेज रहा हूँ, आफ्टर क्लास जब फिनिश होती है तो मैं भेज दूंगा। ओके चैप्टर फोर का क्वेश्चन आंसर भी, ठीक ओके ओके, चैप्टर फोर का और सर चैप्टर कर होने वाली है कुछ पिक्चर कंप्यूटर में स्टोर है तो कैसे हम इंसर्ट कराएंगे डॉक्यूमेंट। ओके ओवर नाउ, नो द टाइम इज ओवर नाउ, नो नो अभी रिमेन टाइम है, 10 मिनट लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट 10 मिनट सर, 20 मिनट सबको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू, हाउ विल इंसर्ट्स पिक्चर स्टोरेड ऑन योर कंप्यूटर्स, to insert a picture stored on computer follow this step, click the insert tab, then click picture options, then click picture gallery, simple picture, okay। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग ए पिक्चर्स, फॉर्मेटिंग ए पिक्चर्स, क्रॉपिंग इन एन इमेज, cropping means removing an unwanted part of image, उस पिक्चर के कुछ पार्ट्स होते हैं उसको आप नहीं चाहते हैं
तो हम क्रॉपिंग ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। टू क्रॉप एन इमेज फॉलो दिस स्टेप, सेलेक्ट द इमेज क्लिकिंग ऑन, पहले उस पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको क्रॉपिंग करनी है, क्रॉप करनी है, देन क्लिक फॉर्मेट बटन्स एंड देन क्लिक क्रॉप ऑप्शंस। पिक्चर को क्रॉपिंग कर लेंगे। नाइस। ओके सर, एक बार और बता दीजिए क्रॉप करना। देखिए क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग एन वांटेड पार्ट ऑफ इन में एन इमेज। इमेज के कुछ पार्ट में से आप नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रॉपिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस पिक्चर को क्रॉप करना है, इस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लिए, हम क्रॉपिंग ऑप्शन में जाएंगे। ये क्रॉपिंग, जब हम क्रॉप करेंगे क्रॉप हो रहा है ना, ये छोटा कर लेंगे। यस, क्रॉपिंग हो रहा है, दिस इज अ क्रॉपिंग। यस बोलो आदर्श। यस सर। हाँ बोलो सर। बोल सर, बोल रहे हैं सर, कंप्यूटर का लिंक 30 मिनट्स तक में चलता है। नहीं, 40 मिनट्स। इससे क्या मतलब है सर, पढ़ने से? सर ये सर पढ़ने से मतलब है, बार बार स्टॉप टाइपिंग, बातें मत करो। क्रॉपिंग समझ में आया शिवांगी यादव? यस सर। हैव एनी डाउट? यस सर। अप्लाइंग आर्टिकल इफेक्ट एन इमेज, पिक्चर स्टाइल इमेज कैसे बदलेंगे, चेंज करेंगे? चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है। यस, ये फॉर्मेट पे है। क्रॉपिंग कैसे करेंगे? क्रॉपिंग अभी ना बताया तुमको। ओके, देखिए पिक्चर स्टाइल चेंज हो रही है। अप्लाइंग पिक्चर इफेक्ट एंड बॉर्डर। यस सर, बोल रहे हैं स्कूल कब खुलेगा? कल स्कूल का इन्फॉर्मेशन जाएगी, खुलेगा तो जब स्कूल खुलेगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। यस सर। ये बॉर्डर से इसकी बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर। सब बॉर्डर इंग्लिश में पोया मैं स्पीक। कौन बोला?
ओके यस सर चेंज योर बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स है ना, चेंज योर बॉर्डर कलर्स, पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। यस सर, पीछे बॉर्डर सर मस्त है, सर पिक्चर इफेक्ट होगा, बॉर्डर चेंज हो गया, पीछे बॉर्डर सर पिक्चर पिक्चर सेफ से थ्री डी ऑप्शन है, ओके पिक्चर बॉर्डर कैसे लगाएंगे? आर्यन गुप्ता पता नहीं इन लोग में सर ब्लर कैसे किए जैसे। ओके नेक्स्ट वर्ड आर्ट, व्हाट इज वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट अलाउ यू create a special text effect in your document. कैसे हम word art apply करेंगे? Click the insert tab, then click word art. तो word art gallery आ जाती है, यहाँ हम select कर लेंगे जो word art स्टाइल चाहते हैं। select करने के बाद type the name here, class pip. ओके करेंगे, ये हो गया यहाँ से, हो गया ओके। यस सर, इंसर्ट के बाद वर्ड आर्ट पे जाएंगे, पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट, देन क्लिक और वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और ये लेटर स्टाइल से सर इसके बगल वाला। ओके सर, हैव एनी डाउट? नो सर, नो सर। चेंजिंग द वर्ड स्टाइल, वर्ड स्टाइल से है चेंज द शेप्स, बदल जाएगा शेप, चेंज हो जाएगा, देखिए सीधा हो गया। सर टाइम ओवर होने वाला है सर, आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या है? आई मीन नॉट ओवर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, आर्टिस्टिक टाइम इज नॉट ओवर सर, टाइम इज नॉट ओवर ऐसे बोल। ओके सर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, आर्टिस्टिक ना, टाइम इज नॉट ओवर, यस सर। ओके पिक्चर इफेक्ट करते हैं, बॉर्डर चेंज करना, पिक्चर बॉर्डर को चेंज करना या उसकी फीचर की कलर को चेंज करना। यस सर। ओके ओपन द रिसाइज द पर योर नीडेड, अप्लाई द फिल्म, फीचर के साइज को घटाओ बढ़ा सकते हैं सर। शैडो इन शैडो मींस क्या होता है? व्हाट आर मीनिंग ऑफ शैडो? परछाई, परछाई, जिसे पिक्चर की शैडो करनी है हमको। फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें सर पोयम है, इसके बाद हम पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, देन क्लिक शैडो, शैडो, हाँ ये शैडो ऑप्शन लेंगे आप, जो शैडो ऑप्शंस लेंगे आप इस पिक्चर की शैडो बनेगी। देखिए बन रही है शैडो,
शैडो बन रही है ना, इस पिक्चर की शैडो बनेगी. ओके, यही शैडो ऑप्शन होता है. ये थ्री डी पिक्चर इफेक्ट में प्रीसेट्स होता है, ये सेप सेप्स होते हैं, अलग से पिक्चर का सेप चेंज हो गया. यस, 3D रोटेशन. तीसरा जो होता है शैडो, दूसरा रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में पिक्चर शैडो चेंज हो जाएगी, रिफ्लेक्शंस करेगा. देखिए रिफ्लेक्शन कर रहा है रिफ्लेक्शन बताया. ग्लो, ग्लो में इस तरह के पिक्चर हो जाएंगे. देखिए चेंज हुआ. यस सर. बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. देर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस वर्ड्स. फिर सॉफ्ट इजेड. इजेड मैंने आप कितने एमएस एक्सेल सिखाइए. कॉर्नर बना रहे हैं सर. किनारे से सर एमएस एक्सेल सिखाइए. एमएस एक्सेल आपका हुआ नहीं है तो एमएस एक्सेल कैसे बताएं. जो सिलेबस रहेगा वही ना बताएंगे आपको. पहले ये सीखिए, एमएस एक्सेल भी सीखिएगा. ओके यस सर. नेक्स्ट पिक्चर इफेक्ट में देखिए वीवल्स इस तरह से फिगर्स हो जाएंगे. देखो ये अगर पिक्चर लेना होगा तो डॉक्यूमेंट देखिए चेंज हुआ. यस सर. तो ये 3D रोटेशन में है. देखिए जैसे आप करेंगे पिक्चर रोटेट होता जाएगा. रोटेट हुआ. ओह भैया यस सर. वर्ड आर्ट कैसे लिए बताया आपको. हाउ विल इंसर्ट वर्ड आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट. पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर वर्ड आर्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ स्लेट लेंगे जो आपको अच्छा लगे इसमें से लेटर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम टाइप करेंगे. सर मैं कर चुका हूँ. डिस्प्ले एक पॉप मेनू आता है, वहाँ टाइप करेंगे आप. यस सर. एनी डाउट. नो सर. सर सबको शेप्स. लास्ट टॉपिक से शेप्स. व्हाट इज शेप. एनीबडी टेल मी व्हाट इज शेप. शेप क्या होता है सर. सर शेप जैसे आर्या. आर्या त्रिपाठी. शेप्स. व्हाट इज शेप. शेप. हाँ. Are you Pratap Singh? Yes, sir. What is shape? Ritvi Gupta. Pratiksha Raj. Pratiksha Raj. Are you getting my voice? Yes, sir. Pratiksha. What is shapes? Shapes are group of ready-made shapes that can be inserted directly in your document. Shapes are group of ready-made shapes. पहले से बने हुए shapes होते हैं. Sir, सबको unmute. Sir, सबको unmute कर दीजिए. Yes, sir. Shapes are group of ready-made shapes that can be inserted directly in your document. शेप पहले से बने हुए कुछ रेडीमेड शेप्स के ग्रुप्स होते हैं जिसको हम सच है जैसे सर्कल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, एलिप्स, बहुत सारे चीजें. हाउ विल इंसर्ट ए शेप्स इन योर डॉक्यूमेंट. कैसे इंसर्ट करेंगे आप. पहले आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक शेप्स. ये बहुत सारे शेप्स है. देखिए जैसे हमको स्टार ड्रा करना है
स्टार सेलेक्ट करके ड्रा कर लेना। ओके, इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, फिल ए कलर, पैटर्न्स, ग्रेनाइट्स में जाइए, प्रीशेट लीजिए। Insert shapes. ओके, अब एनी डाउट? कैसे इसको ग्रुपिंग करेंगे? इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे एक, फिर दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जहां ले जाना चाहते हैं तीनों को ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, हैव एनी डाउट?